पंकज जी बड़े खुश नजर आ रहे, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? राखी जी आपको नहीं पता, वरदान ट्रांसफर होकर आगरा आ गया है। अच्छा, आज सुबह ही फोन आया था, पुष्पांजलि गार्डेनिया में उसने फ्लैट भी ले लिया है। अरे वाह, तो आज ही उसने मिलने के लिए बुलाया है, तो बस वही जा रहा हूँ मैं इस समय। अच्छा, ओके बाय। अरे राखी जी, जी हाँ, मुझे याद आया आपकी सिस्टर का फ्लैट भी तो गार्डेनिया में है ना? हाँ, मेरी सिस्टर गार्डेनिया में ही रहती है। ओके जी, तो कुछ थोड़ा लोकेशन का मुझे आइडिया बताइए, किस तरफ है, कहाँ से पास पड़ेगा? हाँ, लैंडमार्क कौन सा है? गार्डेनिया जाने के लिए काफी सारी अप्रोच है, अगर आप चाहें तो गुरु के ताल के सामने के फ्लाईओवर से भी जा सकते हैं। ओके, आप चाहें तो करकुन चौराहे से भी जा सकते हैं, सिकंदरा से भी जा सकते हैं, मध्य कटरा से भी जा सकते हैं, तो उसकी काफी सारी अप्रोच है, कहीं से भी जा सकते हैं। वेरी गुड, चलिए ठीक है, मिलते हैं, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय। अच्छा पंकज जी, आप भी तो एक फ्लैट देख रहे हैं। हाँ हाँ, अगर आप गार्डेनिया जा ही रहे हैं तो आप भी एक बार विजिट कर लीजिएगा गार्डेनिया की। ये आपकी बात सही है। ओके पंकज, थैंक यू, गुड बाय। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैनेजमेंट से हैं? यस, माय नेम इज प्रियंका एंड मैं सेल्स डिपार्टमेंट से हूं, बताइए। ओके गुड, मैम मेरे एक फ्रेंड वरदान ने यहाँ पर फ्लैट लिया है गार्डेनिया में, आप बता सकती हैं किस जगह उसका फ्लैट होगा? सो पुष्पांजलि गार्डेनिया 7.25 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें सवा 200 फ्लैट है। ओ अच्छा, सर आप ये बताइए, डेजी, जैस्मिन, प्लूमेरिया, कैमेलिया, फिनिक्स पाम एंड कैलेंडुला, आपके फ्रेंड का फ्लैट किस टावर में है? मैम ये तो मुझे नहीं पता, उसने बताया था कि शायद कोई नया टावर बना है यहाँ पर, उसमें फ्लैट लिया उसने। ओ, फिर आप कैलेंडुला की बात कर रहे हैं शायद, आप प्लीज लेफ्ट ले लीजिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। पुष्पांजलि गार्डेनिया जाते हुए मुझे एहसास भी नहीं था कि मैं एक ऐसी दुनिया में जा रहा हूँ जो बेहद हसीन है। ग्रैंड एंट्री गेट, चौड़ा पैसेज, ओल्ड एज पार्क, चिल्ड्रन पार्क, खुलापन और हरियाली, जहाँ बच्चे बेफिक्र होकर खेलते हैं और महिलाएं हर पल का आनंद लेती हैं। अभी तक मैंने घर के अंदर गार्डन तो बहुत देखा था, लेकिन गार्डन के अंदर घर आज पहली बार देख रहा हूँ। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा आज का दिन बहुत खास होने वाला है। पंकज भाई क्या बात, क्या बात, वरदान वरदान वरदान, कितने सालों बाद मिले। बिल्कुल। हेलो भैया, कैसे आप? बहुत बढ़िया, गुस्सा बाद में निकाल लेना, पहले बैठ लेते हैं। बिल्कुल, ये तो भाइयों का प्यार का गुस्सा है। आइए। देखो ना अलमास, मैं से इतना नाराज हूँ, पूरे 5 साल बाद ट्रांसफर होकर आगरा आया है, और आगरा आया आने के बाद पुष्पांजलि गार्डेनिया में इतना बढ़िया फ्लैट भी ले लिया और मुझे बताया तक नहीं। अरे भैया आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आगरा आती ना फ्लैट की इतनी ज्यादा जरूरत थी, वो तो समझ ही नहीं आ रहा था। और आपको बताऊं, बैंगलोर में हमारी जो सोसाइटी थी ना बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, तो बस वैसे ही कुछ हम आगरा में भी देखना चाह रहे थे, बट कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, है ना? सच में पंकज भैया कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने ये गार्डेनिया का ये कैलेंडुला टावर का फ्लैट देखा तो मतलब हमारी तलाश ही खत्म हो गई, और फिर इन्होंने भी जिद पकड़ ली कि फ्लैट तो अब यही लेना है। वरदान हम लोग भी सोच रहे हैं कि अपना मकान बेच के कोई अच्छा सा फ्लैट ले लें, लेकिन कहीं समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे तुमने क्यों फ्लैट लिया, क्या खास बात है इस वाले प्रोजेक्ट में? भैया एक तो यहाँ की लोकेशन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल सब नजदीक ही है, ऊपर से ग्रीनरी एंड पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर ने मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस किया। यहाँ गार्डेनिया में कैलेंडुला एक नया टावर है जिसमें 78 फ्लैट्स हैं, हर फ्लोर पर 2 और 3 BHK के 4 फ्लैट के साथ साथ शिंदर की 2 लिफ्ट भी लगी हुई है। साथ ही साथ इस टावर में स्पेशल एंट्री गेट, सेपरेट इंडोर गार्डन और अंडरग्राउंड पार्किंग भी है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 BHK फ्लैट लिया है। वाओ, दिस इज सो इंप्रेसिव, पर लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी तुमने इतना सारा फर्नीचर कैसे अरेंज कर लिया? पंकज भैया यही तो यहाँ की खास बात है, यहाँ पर गार्डेनिया में हमें सेमी फर्निश्ड और फुली फर्निश्ड दोनों के ऑप्शन मिले। अच्छा, हमारी प्रेफरेंस वही थी फुली फर्निश्ड। वेरी गुड, तो हमने फुली फर्निश्ड को प्रेफरेंस दी। इसमें हमें डाइनिंग टेबल, सोफा, सेंटर टेबल, कर्टेन्स, डबल बेड, वार्डरोब, टीवी कैबिनेट एंड किचन में चिमनी, सब कुछ रेडीमेड मिला है। और भैया एक बात और, यहाँ फर्नीचर में आपको अपने अकॉर्डिंग कलर चॉइस भी मिल सकती है। अच्छा, और साथ ही साथ ये मार्केट रेट से सस्ता भी पड़ता है। वाह, तो कमाल की बात है। हाँ, अब तुम भैया को जरा जल्दी से फ्लैट दिखाओ। ओके भैया, चलो आइए फ्लैट देखते हैं।
अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जब से पूल बना है इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर दिस सोसाइटी। इवन हम लोग अपनी सोसाइटी में पूल किटी कर सकते हैं, बच्चे की पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जितना बड़ा यहाँ पूल है उतना पूल मैंने आगरा में किसी सोसाइटी में नहीं देखा जितना यहाँ पर है। पुष्पांजलि गार्डेनिया में आपका जो भी एक ड्रीम हाउस का वो रहता है वो सब कुछ परफेक्शन के साथ कंप्लीट हो रहा है। जब हम इस फ्लैट में देखने आए तो मेरी हर फैमिली मेंबर के जबान पर था यस। तो यहाँ पर नीचे स्विमिंग पूल रिसेंटली ओपन हुआ है, जाओ बैडमिंटन कोर्ट है वहाँ पर खेलो अच्छे से। पुष्पांजलि ने क्लब हाउस बनवाया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्लब हाउस है वो। पंकज भाई आइए, अब दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है गार्डेनिया के फ्लैट्स का और उसके साथ में अमेनिटीज का, यहाँ का क्लब हाउस ग्रैंड क्लब हाउस। और भैया यहाँ पे ना 500 लोगों की जेंट्री तो आराम से आ सकती है। इवन यहाँ पता है सिंगिंग कॉन्सर्ट के लिए एक और बेहतरीन जगह है। अच्छा, और वो है यहाँ का एमपी थिएटर। आइए दिखा एमपी थिएटर। पंकज भैया मैं तो कहता हूँ आप भी फ्लैट फाइनल कर ही दो। हाँ भैया सोचिए बिल्कुल मत। उसको भी प्रोजेक्ट बड़ा पसंद आया है। हाँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा? मैं यहीं पर हमारे हितेश जी हैं, वो गार्डेनिया के फ्लैट्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। सारी पूरी अवेलेबिलिटी सारी डिटेल्स आपको बहुत ही प्रिसाइजली बता देंगे। अब एक काम करो ना, कॉल कर लो उनको। हाँ, मैं कॉल कर लेता हूँ, बुला लेता हूँ, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ वरदान जी, गुड इवनिंग। वरदान जी आज तो आपके गेस्ट आए हुए हैं। गेस्ट नहीं है, ये पंकज भैया हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। और ये हैं यहाँ के फैसिलिटी मैनेजर मिस्टर हितेश ओबेरॉय। ओके हेलो सर। बढ़िया सर, कैसा लगा हमारा प्रोजेक्ट? सर प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा लगा, ग्रीनरी बहुत है, खुलापन काफी अच्छा है, फ्लैट्स काफी सुंदर है, उस तरह से तो बहुत इंप्रेसिव है। पर बेसिक क्या होता है रहने पर एमिनिटीज का बड़ा फर्क पड़ता है, तो कुछ एमिनिटीज के बारे में कुछ जानकारी बताइए इसके बारे में। सर हमारे यहाँ फैसिलिटी में 24x7 आपका पावर बैकअप है एंड सिक्योरिटी 24x7 एंड वाटर सप्लाई। उसके बाद एक्स्ट्रा फैसिलिटी में हमारे पास इंटरकॉम फैसिलिटी है एंड क्लब हाउस एंड बच्चों के लिए बैडमिंटन कोर्ट्स हैं एंड फायर अलार्म की भी व्यवस्था है हमारे यहाँ। टोरेंट पावर फैसिलिटी अपने पास है, ग्रीन गैस की फैसिलिटी है। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और टाइमली सब चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं यहाँ पे। बट यहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। व्हेन एवर यू एंटर द गेट द गार्ड विल आस्क यू कि आपको कहाँ जाना है। इंटरकॉम है, दे विल कनेक्ट इट टू अस कि हाँ आपने किसी को बुलाया है या मैम आपके यहाँ ये आए हैं। सोशल गैदरिंग के नाम पर जो इवेंट्स होते हैं यहाँ पर रेगुलरली, चाहे वो कल्चरल हो, सोशल हो, या किसी पूजा पाठ के नाम पर हो, या फिर कुछ भी हो, तो वो एक गैदरिंग जो होती है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ का। अरे भैया आप एमिनिटीज की तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, यहाँ की सर्विसेज है ना बहुत अच्छी है। अच्छा वो सब तो ठीक है वरदान, पर मुझे लग रहा है कि कहीं ये मेरे बजट के बाहर तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल नहीं सर, हमारे प्राइस में पार्किंग एंड क्लब मेंबरशिप एंड इलेक्ट्रिशियन जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो सारे इंक्लूडेड है। लेकिन सर क्या यहाँ पर लोन प्रॉपरली हो जाएगा हमको, बैंक अगर हम हाउसिंग लोन लेना हो तो मिल जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, हमारा जो प्रोजेक्ट है ये रेयर रजिस्टर्ड एंड ADA प्रूफ जगह है और इसके साथ हमारे लोन की व्यवस्था भी है जिसमें HDFC, ICICI, LIC एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये फैसिलिटी हमारे पास है। तो पक्का आना भैया। बिल्कुल बिल्कुल वरदान। तो हितेश जी मैं कल ही आता हूँ ऑफिस में चेक लेकर, मेरा फ्लैट आप बुक कर लीजिए, लेकिन मेरी शर्त है मुझे फ्लैट वरदान के बगल वाला चाहिए। अरे अरे बिल्कुल जी बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है सर, अब बिल्कुल हम मिलते हैं कल ऑफिस में। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। थैंक यू वरदान जी। जी थैंक यू सर। थैंक यू। ओके ये हुई ना बात। ग्रीनरी यहाँ की सबसे अच्छी चीज है, नाम ही अपने आप में पुष्पांजलि गार्डन है। गार्डन तो हरा भरा है एकदम, बगीचा है हमारा। एक जैसे हम लोग रिजॉर्ट वगैरह में जाते हैं वहाँ की ग्रीनरी देखते हैं और यहाँ मतलब मेरा घर है और मैं यहाँ रह रही हूँ, मॉर्निंग हो इवनिंग हो निकलते बैठते वॉक करो। मैं आज बहुत खुश हूँ, समझ नहीं आ रहा कि ये खुशी छोटे भाई जैसे दोस्त से बरसों बाद मिलने की वजह से है या इस सपनों की दुनिया की सैर करने की वजह से जिसका नाम है पुष्पांजलि गार्डेनिया। मैं यहाँ अपना दिल छोड़कर जा रहा हूँ और साथ ले जा रहा हूँ कुछ मीठी सी यादें, वो यादें जिनमें ताज़ी हवा की खुशबू है, खुलेपन का एहसास है और अपनेपन की मिठास है। और हाँ ये इरादा भी कि मुझे कल ही आकर यहाँ अपना फ्लैट बुक कराना है
और इस खूबसूरत दुनिया का हिस्सा बनना है। आइए पंकज जी, मैं आपको टीम से बात करूं गार्डन की। अरे वाह, नमस्कार। हम गार्डनिया निवासी हैं और हम 216 प्लूमेरिया में हम रहते हैं। हमारी बालकनी से बड़ा सुंदर दृश्य नज़र आता है और ये हमारा जो पोर्शन है वो पार्क साइड है और हमें रिजॉर्ट टाइप का एक आनंद मिलता है हमें यहाँ पे। यहाँ पर हम लोग पुष्पांजलि गार्डनिया में रहने आए तो हम लोग पुरानी अपनी कोठी को छोड़कर तो बहुत खुलापन यह महसूस हुआ। वहाँ पर सिक्योरिटी का मैटर रहता था, हरियाली का चक्कर रहता था, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था उस साइड पर। तो यहाँ पर हमें ये महसूस हुआ कि जब भी हम यहाँ पर बाहर निकलते हैं तो हमें खुलापन मिलता है यहाँ पर। बच्चों के लिए जो एक सेफ्टी वाला स्पेस होता है ना, थोड़ा सा जिसमें वो खेल सकें, थोड़ा सा टाइम अपना स्पेंड कर सकें, वो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ।